सभी को जोहार और मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपको आपकी मातृभाषा, आपकी लिपि आपको पता होगी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमारे गांव में लाखो बोधरा जयंती मनाई जा रही है। आज हमारे ओत गुरु को लाखो बोधरा जी की आज जन्मतिथि है, तो आज हम गांव वाले सब मना रहे हैं। लाखो बोधरा जी हमारे हो भाषा लिपि के सृष्टिकर्ता हैं और आज लाखो बोधरा जी के सम्मान में, अपनी भाषा अपनी लिपि के सम्मान में हम आज गाँव में कार्यक्रम भी रखे हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हुई है। उम्मीद करते हैं कि धूप निकल जाए क्योंकि सुबह सुबह बहुत बारिश कर रही थी। धूप आ जाएगी तो अच्छी बात है। मैं आपको जरूर प्रतियोगिता दिखाना चाहूँगा जो शायद आपको बहुत यूनिक लगे, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिता मैंने तो कहीं नहीं देखी है। यहीं गांव में पहली बार शायद आयोजित हो रही है ये प्रतियोगिता वगैरह। एक और बात है, पास्या गाँव लाखो बोधरा जी का जन्म स्थान और झिंकपानी में झारखंड इलाके में पड़ता है दोनों, तो इन जगह में लाखो बोधरा जी का जो जयंती है वो इसी पूर्णिमा को मनाई गई थी। शायद नौ सितंबर का वो डेट पड़ा था। और यह डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम यहाँ जन्म की तिथि यानी कि 19 सितंबर को देखकर मना रहे हैं और वहाँ पर पूर्णिमा को देखकर मनाई गई थी, क्योंकि
जब वो जन्मे थे 19 सितंबर 1919 में, तब पूरी पूर्णिमा थी उस दिन, तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन वहाँ मनाई जाती है। और चूंकि हम आदिवासी लोग कैलेंडर के बजाय महीनों को पूर्णिमा या फिर कहें कि चांद को देखकर गिनते हैं, और जो साल पार होती है वो हम बरसात को देखकर गिनते हैं, तो इसीलिए जो लखोपत्र जी का जो जन्म स्थान है उस गांव में अभी भी पूर्णिमा देखकर मनाई जा रही है, ना कि कैलेंडर के तिथि को देखकर मनाई जा रही है। और स्कूल में भी मैंने पढ़ा था कि लखोपत्र जन्म दो 19 सितंबर 1919 रे पसे हाथू रे अंगाई पुनाई मुसिंग होबा लेना। तो सिचुएशन यहाँ ये है कि आप सही हैं पर गलत हम भी नहीं हैं। तो एनीवे हम हमारी परंपरा को भी ना भूलें और वक्त के साथ आगे बढ़ते रहें। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, यह हमारी हो क्लास है जहाँ हम हो लिपि वरंगचीति से हम शिक्षा ले रहे हैं, और यहाँ दमादमन सब भी है देखिए रखी हुई है, और भी ज़्यादा हैं पर यहाँ अभी फिलहाल दूसरी जगह रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पर ही लखोपत्र की जन्मतिथि जयंती मनाई गई थी। और यही है हमारी स्कूल, देखिए यह है हमारे स्कूल। बारिश के चलते हमारा प्रोग्राम आज अंदर ही रहा हो क्लास के अंदर, सुबह से बारिश हो रही है और आज भी देखिए बारिश का ही माहौल है, सब तरफ कीचड़ कीचड़ हो रखी है। पता नहीं प्रतियोगिता भी करा पाएंगे या नहीं ऐसी बारिश में, अगर ऐसी बारिश होती रही तो फिर मुश्किल है। बहुत सारे प्रोग्राम कल भी रखे हुए हैं, ये स्टेज देख रहे हैं ये कल के लिए बनी हुई है। इस छोटे से गांव में, हमारे इस छोटे से गांव में कल बहुत बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, बहुत गेस्ट आ रहे हैं, ये कल आपको वीडियो में पता चल ही जाएगी। तो देखते हैं आज क्या होता है, प्रोग्राम भी शायद कैंसिल हो जाएगी, प्रोग्राम बोल रहा हूँ प्रतियोगिता वगैरह शायद कैंसिल हो जाएगी, पता नहीं बारिश कर रही है इतना। तो ठीक है, इस वीडियो का हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, अगर प्रतियोगिता होगी ना तो इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, अगर वो वीडियो नहीं आई तो समझ जाए कि प्रतियोगिता नहीं हुई, मे भी अगले साल किया जाएगा। ठीक है फिर, बाय।